सुपेला थाना क्षेत्र के स्कूल प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों को माथे पर तिलक अथवा टीका न लगाने का फरमान जारी करने के बाद बवाल हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। बताया जा रहा है कि दो समुदाय के बच्चों में हुए विवाद के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा ये निर्देश जारी किया गया था। दरअसल मैत्री नगर राधिका नगर सुपेला स्थित शिवा पब्लिक स्कूल प्रबंधन द्वारा एक आदेश जारी करते हुए छात्र छात्राओं को माथे पर टीका नहीं लगाने की बात कही गई थी। शुक्रवार को इसकी जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ बजरंग दल के विभाग संयोजक रवि निगम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शिवा पब्लिक स्कूल का घेराव करते हुए विरोध दर्ज कराने पहुंचे। विरोध प्रदर्शन के बाद स्कूल प्रबंधन ने माफीनामा स्वरूप लिखित में बताया कि स्कूल में विभिन्न संप्रदाय के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, उन्हें राष्ट्रीय संप्रभुता व समभाव से रखने की सीख दी जाती है। माथे पर टीका लगाने किसी को मना नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के विभाग संयोजक रवि निगम ने यह भी बताया। विभाग संयोजक ने प्रतिक्रिया दी। हमें सूचना मिली कि शिवा पब्लिक स्कूल के पास कुछ लड़के आके कोई नारेबाजी वगैरह कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम यहाँ मौके पर पहुंची थी। मौके पर पहुंचने पर बात करने पर पता चला कि जो लोग आए थे उनको आपत्ति थी कि किसी टीचर्स ने तिलक लगाने पर मना आपत्ति की है। दोनों के बीच में आपस में बात कराई गई। स्कूल प्रशासन और जो लड़के आए थे बात करने पर पता चला कि ऐसा कोई नहीं है। मिसकम्युनिकेशन के कारण ये बात आई थी, जो चीज़ें समझदारी से हल हो गई। जैसे कि कल हमारे पास सूचना आई है, एक मुस्लिम बच्चा है जो हमारे हिंदू बच्चे को मार दिया था, जिसका सर फट गया है, 3-4 टाका है हुआ है। तो उसके लिए हमारे उसके बाद शाम को हमें खबर मिली है, वीडियो है हमारे पास। यहाँ बच्चों को जो तिलक लगा के आते हैं हिंदू बच्चों, उनको टीचर लोग मना किए, उनका कहना था प्रिंसिपल ने मना किया है, कोई भी बच्चे यहाँ पर तिलक लगा के नहीं आएंगे। इसका भी हमें जानकारी लगा उसका, तो हम लोग सुबह 9 बजे सब इकट्ठा होके यहाँ पर आए हैं। प्रिंसिपल सर से हमने बात किया है, तो हिंदू बच्चे को तो कल हमारे पास जानकारी आई थी, उसको तो स्कूल से निकाल रहे थे, TC दे रहे थे, तो उसके लिए हम लोग चर्चा की। उन्होंने कहा है नहीं निकाल रहे हैं, जो बच्चा मारा है, मुस्लिम बच्चा मारा है, उसको 15 दिन के लिए अभी सस्पेंड कर दिए हैं यहाँ से। और जिस बच्चे को चोट लगी है उसके लिए FIR किया गया है, थाने में उनकी सुनवाई हो गई है। तिलक के लिए प्रिंसिपल सर ने लिखित में हमसे माफ़ी मांगा है। मैं यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे को किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, मौली धागा पहन के मत आइए, तिलक मत लगाइए, रुद्राक्ष मत पहनिए, तो आप बजरंग दल से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। और एक मामला सामने आया कि स्कूल प्रबंधक में दो समुदाय के अन्य समुदाय बहुत सारे समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक मुस्लिम समुदाय का लड़का एक हिंदू समुदाय के लड़के को मार दिया, जिस पर गंभीर चोट आई है। मामला जब हमारे संज्ञान में हम इसकी जानकारी लगाया तो थाने भी गया था, थाने में FIR भी दर्ज हो गया है। यहाँ पर रेस्टिगेट का मामला चल रहा था हिंदू लड़के के खिलाफ, लेकिन जैसे ही हमारा विषय आया तो उसको हटा के मुस्लिम लड़के को 15 दिन के लिए रेस्टिगेट कर दिया गया है। और अभी फिर कल प्रिंसिपल महोदय द्वारा सभी टीचरों को अप्लाई किया गया कि आप किसी भी बच्चा कोई भी बच्चा तिलक लगा के नहीं आएगा, ये उसका स्वतंत्र अधिकार है, मौलिक अधिकार है। किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार प्रिंसिपल को नहीं मिलता है। इस विषय को लेकर आज बजरंग दल को सुबह सूचना मिली 9 बजे। बजरंग दल का कार्यकर्ता जो सुपेला प्रखंड आदि प्रखंड के कार्यकर्ता तो यहाँ पहुँच के जिला स्तरीय कार्यकर्ता यहाँ विरोध दर्ज कराए हैं और बताए हैं कि अगर दोबारा इस टाइप की गलती हुई तो इससे ज़्यादा और बहुत बुरी स्थिति में आपके स्कूल आ जाएगा, जिससे जवाबदारी स्वयं शासन प्रशासन के लिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया और लिखित में माफ़ी भी मंगाया कि आज से ऐसी कोई भी घटना हमारे स्कूल में नहीं घटेगी, हम किसी भी बच्चों को तिलक लगाने से मना नहीं करेंगे। इसलिए सभी बजरंग दल कार्यकर्ताओं का राधिका नगर स्थित शिवा पब्लिक स्कूल में बच्चों को माथे पर टीका न लगाने के फरमान पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के विभाग संयोजक रवि निगम ने बताया है कि उन्हें आज सुबह स्कूल प्रबंधन द्वारा जारी आदेश की सूचना मिली थी। इसके विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता शिवा पब्लिक स्कूल में घेराव करने पहुंचे थे। उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी स्कूल हिंदू छात्र छात्राओं को टीका लगाने से मना नहीं कर सकता। शिवा पब्लिक स्कूल द्वारा हिंदू छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, माथे में टीका लगाने से मना ही, हाथ में कलावा बांधने पर रोक टोक हो रही थी। ग्रेनेसियन न्यूज के लिए हर सोने के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।